सर्दी, गर्मी और धूप जिसके हौसलों को डगमगा ना पाए, तेज धूप, हड्डियां गला देने वाली ठंड जिसे परेशान ना कर पाए, वो है भारत के वीर जवान। हम और आप अपने घर में इसलिए सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि वो सरहद पर तैनात है। हमें जरा सी ठंड लगती है, जरा सी बारिश होती है, हम इतने में ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जरा उन जवानों के बारे में सोचिए जो बिना अपनी चिंता किए ठंडी, गर्मी, बरसात हर मौसम में सीमा पर डट कर खड़े रहते हैं। लेह लद्दाख में इन दिनों अधिकतम न्यूनतम तापमान माइनस में है। इस दौरान कुछ दुख भरी और दर्दनाक घटनाएं भी हो रही हैं। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ के रहने वाले आईटीबीपी के जवान नरेंद्र सिंह बसनायक वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आपको बता दें, श्रीनगर में आईटीबीपी के 21वीं बटालियन में बलिदानी नरेंद्र सिंह बसनायक तैनात थे। वहां उनके सीने में अचानक दर्द उठा, जिसके बाद साथी जवानों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जब से बलिदानी नरेंद्र सिंह के घर में उनके शहीद होने की सूचना दी गई है, तब से उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि बलिदानी नरेंद्र सिंह बसनायक पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। उनके घर में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह बसनायक भी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत है। शिवालिक जनरल वीर बलिदानी नरेंद्र सिंह बसनायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।